वहीं किसान मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और गुजरात किसान मोर्चे के सह प्रभारी रहे स्वामी जसमेर सिंह ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है, न कि हरियाणा की जनता ने। वहीं स्वामी जसमेर सिंह के आवास पर बड़े नेताओं का हुजूम लग रहा था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री बने अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अन्य बड़े नेता उनसे मिलने आते रहे हैं। वहीं स्वामी जी ने एक वीडियो भी न्यूज वन हरियाणा के साथ साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019, 2024 व 2029 में जीतने की बात कही थी। वहीं स्वामी जसमेर सिंह अब भाजपा व उसके नेताओं को छोड़कर किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं अपने आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सेवा करते हुए और समाज में और सेवा हो उसके लिए मैंने राजनीतिकता का भी रुख रखा, और हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत ढीला समझ के, कांग्रेस का अच्छा शासन ना समझते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हुए और सब भारत के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री जो बनाया उसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा, ऑन रिकॉर्ड रहा, और इस बात की मंशा रही कि हम जैसे लोग भी जो समाज के अंदर 24 घंटे रहते हैं, अगर राजनीति में कहीं स्थापित होते हैं तो समाज का और भी भला हो, उसी को देखते हुए मैंने इसमें कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को केंद्र में राष्ट्रीय किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का पद दिया और गुजरात का किसान मोर्चे का सह प्रभारी का पद मेरे पास रहा, केंद्रीय कार्यालय में मेरा स्थान रहा। हमने बहुत काम किया। हरियाणा प्रदेश में मोदी जी ने खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं यहाँ, मेरी बात का ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि जनता ने बना दिया, खट्टर जी को मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने हरियाणा का बना दिया, हरियाणा की जनता ने नहीं बनाया। अब हमारे पास सामाजिक दायित्व है और हम राजनीति के अंदर भी अगर हैं, हमारा पहला धर्म है कि जनता की सेवा करना, जनता का कार्य करना। मेरे निवास पर हजारों लोग आते रहे और कोई भी दुख दर्द है उसका हम लोगों का फर्ज में फ़ोन करता रहा। हरियाणा की सरकार को सबसे पहली शिकायत ये रही कि आप प्रशासन के पास टेलीफोन क्यों करते, यानी जनता के काम क्यों करते। इन सब बातों को देखते हुए इतना दुख पहुंचा, रोष पहुंचा और पूरा जनता दुखी हो गई। मैंने भी इसको भांपते हुए और हरियाणा सरकार की निकम्मेपन को देखते हुए, हरियाणा में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, वो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो MLA बनकर बैठा हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो।